एसडीएफ न्यूज स्वागत करता है आपका 10 बड़ी खबरों के साथ, मैं हूं आजाद। विकास दर में एक दशक की बाजी मारता हुआ आज का बिहार सबसे आगे है, यह मानना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। व्यक्तिगत आय भी बढ़ी है लेकिन आबादी का सिलसिला इस पर भारी पड़ रहा है। गांधी सेतु पर वाहनों ने फर्राटा भरना शुरू कर दिया है। जी हां, सेतु के पश्चिमी लेन का स्ट्रक्चर स्टील का बनाया गया है। विदित हो कि बीते शुक्रवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नितिन गडकरी ने इसका लोकार्पण किया था। बिहार के लिए नए सौगात के रूप में गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन के अनोखे पुल की भी आधारशिला इसी साल अक्टूबर में रखी जा सकती है। पुल के बनाने में 3,000 करोड़ की राशि खर्च व्यय होगी। बकरीद के अवसर पर बिहार वासियों को राज्यपाल फागू चौहान एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुबारकबाद दी है। रबी की राह में खर्च करने का अर्थ नेकी और भलाई के कामों में रुचि लेना भी होता है। कोरोना इफेक्ट ने विधानसभा की कार्यवाही को भी प्रभावित कर डाला है। 3 से 6 अगस्त तक के निर्धारित सत्र को अब एक दिन में ही कर लेने का फैसला किया गया है। इस बार मानसून सत्र के दौरान पहली पाली में विधायी जबकि दूसरी पाली में कोरोना एवं बाढ़ पर चर्चा होगी। बिहार सरकार अब कोरोना संक्रमण की गंभीरता को लेकर और सजग होते हुए आज नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। शराबबंदी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितने संजीदा है, कई नेताओं को यह ढकोसला जैसा लगता है। इस बीच लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद भी इसका सेवन कर रहे हैं। अब 7 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली संबोधन नहीं होगी। इस बाबत जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने नई तिथि के ऐलान की बात कही है। कोरोना को लेकर ऐसा किया गया है। चर्चित फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पूछताछ करने मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर से पर्दा उठाकर अनुसंधान कार्य में तेजी ला दिया है। अब सीबीआई जांच की मांग भी तेज हो गई है। यूं तो बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सत्र एक दिन ही हो जाने के चलते अब ऐसा संभवतः नहीं हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ की विकराल रूप और कोरोना के मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरने का मन बनाया था। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।